आपके YouTube चैनल RRNCRT मैथ क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें क्वेश्चन 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 5.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन x x plus 5 if x is less than equal 1, x minus 5 if x is greater than 1, a continuous function। तो देखते हैं function continuous होगा कि discontinuous, वो तो बात की बात है। यहाँ पे solution में हमको पता चलेगा कैसा function है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन सही है, यहाँ पे आप फॉर्मूला, यहाँ पे अगर आप समझ गए कंडीशन तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहला क्या कह रहा है, x is less than 1। पहला पॉइंट अगर देखिए कह रहा, अगर x is less than 1 हो, अगर x is less than 1 होगा तो फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन x is equal to लेंगे x plus 5। बात समझ में आई। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा अगर x is equal to 1 होगा, क्यों, क्योंकि x is less than equal 1 है ना, तो बराबर 1 है तो यहां पर भी तब भी फंक्शन हम लोग क्या लेंगे, x plus 5 लेंगे। अब थर्ड कंडीशन देखिए, यहां पे कह रहा x is greater than 1, x is greater than 1, अगर x is greater than 1 होगा तो फंक्शन क्या लिया जाएगा, x minus 5। बात समझ में आई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसका। यहां पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, एट x is equal to 1 पर कितना हमारे पास, एट x is equal to 1। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x tends to 1 कैसा, माइनस का। यहां पे फंक्शन कैसा रहेगा, x। अब यहां पे देखिए x का वैल्यू माइनस 1 है, मतलब x is less than 1, x is less than 1, x का वैल्यू छोटा है, तो यहाँ पे x plus 5 फंक्शन लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो x is greater than 1 हो जाएगा, x minus 5 लेंगे। तो पुट करिए यहाँ पे लिमिट x tends to माइनस, यहाँ पे फंक्शन क्या लेंगे, यहाँ पे x plus 5। बात समझ में आया, x is less than 1 के लिए क्योंकि माइनस लगा है। यहाँ पे अब चेंज कर लेते हैं वैल्यू हम लोग। अगर हमारे पास दिया x is equal to minus 1, साइड में देखिए x is equal to माइनस, लिमिट कैसी है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या करते हैं, माइनस एच कराते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 रखिए तो 1 माइनस एच कैंसिल हो गया, तो एच इज इक्वल टू 0, तो हम इसको एच टेंस टू 0 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे रखिए एक्स माइनस, एक्स लेस देन 1 है माइनस, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस है, तो लेस देन है, तो यहां पे ये वैल्यू किसका, लिमिट में रखिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0, x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस एच और प्लस कितना है 5। अब लिमिट अप्लाई करिए, तो लिमिट अप्लाई करेंगे जहां जहां h दिख रहा है वहां क्या रखेंगे, 0, 1 माइनस 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। कौन सी लिमिट में निकल गए हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट में निकल के आया यहाँ पे। चलिए अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x इज इक्वल टू x is h tends to plus, अब plus करेंगे यहाँ पे कैसे है, function x, मतलब x का value 1 से बड़ा है, x is greater than 1 है, तो function x is equal to क्या हो जाएगा, x minus 5। तो यहाँ पे रखें limit x, यहाँ पे कितना है 1, clear है, function की जगह पे क्या रखेंगे, x minus 5, क्योंकि x is greater than 1 है, x का value 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, सिमिलरली हम लोग वैसे ही चेंज करेंगे, क्या होता है x इज इक्वल टू 1 प्लस, तो प्लस है तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, तो राइट हैंड लिमिट में प्लस क्या कराते हैं, h कराते हैं, प्लस h कराएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल, तो h इज इक्वल टू 0 या h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। ये बात समझ में आई, क्लियर है, वैल्यू पुट करिए, कितना पुट करेंगे, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे पुट करिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x, x की जगह पे क्या है राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस h और माइनस का 5। अब लिमिट अप्लाई करिए जहां h है वहां क्या रखेंगे 0, माइनस का कितना है 5, तो ये 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 4, कितना निकल आया माइनस का 4, क्योंकि 1 माइनस 5 है, माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो माइनस का 4। तो वी कैन से दैट यहां पे देखिए क्लियर कह रहा है, यहां पे कितना निकला लेफ्ट हैंड में 6, यहां पे 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।